एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में निःशुल्क कोविड 19 टीकाकरण शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। शिविर में 12 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन शिविर आगामी 1 सितंबर को भी अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सोमवार को निःशुल्क कोविड 19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 12 वर्ष की आयु से ऊपर के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं का टीकाकरण किया गया। निःशुल्क टीकाकरण शिविर में प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज लगाए गए। टीकाकरण को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी सुविधाएं स्थल में उपलब्ध कराई गई थीं। सोमवार को आयोजित टीकाकरण शिविर में अनेक लोग वैक्सीनेट होकर लाभान्वित हुए। निःशुल्क टीकाकरण शिविर की जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टर एसपी केशरवानी और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे ने दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग की ओर से बोल रहा हूँ। आज हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण का आयोजन शासन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे, महिलाएं, वयस्क एवं वृद्धजनों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एज वेल एज बूस्टर डोज का भी सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस शिविर का, निःशुल्क शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठावें। साथ में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 1 सितंबर को भी हमारे यहाँ शासन के सहयोग से निःशुल्क कोरोना टीकाकरण का आयोजन किया गया है। जो बच्चे या जो भी जो लाभार्थी आज छूट जाते हैं, वह 1 तारीख को भी आकर इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। जी सर, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज लगा लिया, उनको बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है? बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है, खास करके वृद्धजनों को या जिनको कोवार्मिडिटी है उनको लगाना अनिवार्य है। इससे क्या होता है कि जो इम्यूनिटी जो है वो लंबे समय तक चलता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग भी होती है। अदरवाइज़ क्या है, इम्यूनिटी जो है कोरोना के लिए कमज़ोर पड़ जाती है। अतः बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं ताकि लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एसआर हॉस्पिटल चिखली, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दिनांक 29 अगस्त को हमारे अस्पताल में शासन के सहयोग के द्वारा कोविड 19 टीकाकरण का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ इस क्षेत्र की जनता, साथ ही साथ हमारे स्टाफ, उनके रिलेटिव सब उठा रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि आप फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और साथ ही साथ बूस्टर डोज जो कि लगाना अनिवार्य है, आप आएँ और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 1 सितंबर को भी इसका आयोजन हमारे अस्पताल में किया जाएगा। सो जो लोग छूट गए हैं वे 1 तारीख को भी आकर इस टीकाकरण का पूरा कोर्स करा सकते हैं। सो आप आइए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद। गौरतलब है कि सोमवार 29 अगस्त को आयोजित टीकाकरण शिविर में किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सके लोगों का वैक्सीनेशन आगामी 1 सितंबर को अस्पताल में किया जाएगा। 1 सितंबर को आयोजित शिविर में प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से निःशुल्क कोविड 19 टीकाकरण शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।